पिछले कुछ महीने से दिल्ली पुलिस और एफबीआई ने बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट किया है अलोंग विद द हेल्प ऑफ सीबीआई इंटरपोल फॉर मेनी केसेस। जैसा कि आपको ध्यान में है, दिसंबर 2022 में हमने एक ट्रांसनेशनल ऑपरेशन किया था जिसमें एफबीआई की इनपुट्स पे स्पेशल सेल ने बहुत ही एक्सटेंसिव लीड्स डेवलप करी थी, जिसके चलते एक कोऑर्डिनेटेड रेड हुआ आरसीएमपी और एफबीआई द्वारा कनाडा में, एफबीआई द्वारा न्यूयॉर्क में और स्पेशल सेल विद द असिस्टेंस ऑफ एफबीआई एंड इंटरपोल इन दिल्ली। तो इस ट्रांसनेशनल ऑपरेशन में 6 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिनमें 4 लोग दिल्ली में अरेस्ट हुए थे, एक कनाडा में और एक यूएस में। इस ऑपरेशन से एक जो अभी तक एक मिथ बनी हुई थी इम्प्यूनिटी की, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं कि ये ट्रांसनेशनल अगर क्राइम करेंगे बाहर की ज्यूरिसडिक्शन में बैठ के, खास तौर पे ये लोग जो अमेरिकन नेशनल्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए इन्होंने डूब किया, इवन वेस्टर्न यूरोप और अदर डिफरेंट कंट्री की नेशनैलिटीज में, और थर्ड पार्टी ज्यूरिसडिक्शंस, जैसे कि इस वाले केस में भी सामने आया कि जो ज्यादातर कॉल सेंटर थे वो युगांडा से रन कर रहे थे। तो इस मिथ को उस ऑपरेशन ने बस्ट किया था, अरेस्ट किया है, और 2 लोगों को अहमदाबाद से अरेस्ट किया, जिसमें पार्थ धर्माकर और वत्सल मेहता है। पार्थ धर्माकर जो है, इसकी उम्र तकरीबन 28 साल है, और ये ज्यादातर इसका रोल जो था वो युगांडा में कॉल सेंटर रन करना था और इंडिया आता जाता रहता था। इंडिया में ये बहुत कम कॉल्स करते थे, बट क्योंकि इनके कॉन्टिन्यूइंग एक स्कैम और कॉन्टिन्यूइंग टारगेट्स होते थे, तो अभी रिसेंटली भी इसने कुछ दिन पहले इंडिया में रहते हुए एक यूएस विक्टिम को कॉल किया, जिसमें कि इसने उसको गोल्ड के बार्स लेने को बोला पैसे की जगह पे। और इनका इतना फाइन ट्यून नेटवर्क है कि यूएस में भी ये विक्टिम की पोटेंशियल, जो भी उसकी स्टेट होती थी विक्टिम की, चाहे उनकी इतना बड़ा कंट्री है, वाइड स्प्रेड स्टेट्स हैं, लेकिन इनके कोई ना कोई एसोसिएट विक्टिम से फिजिकली जाके डॉलर्स या गोल्ड या और किसी भी तरीके से पैसा लेने में सक्षम होते थे। इनके जो दोनों साथी हैं, दीपक अरोड़ा है और प्रशांत कुमार है, इनको उत्तरांचल से अरेस्ट किया गया था। इन दोनों की उम्र तकरीबन 45 साल है, ये दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं, और जो वत्सल मेहता खुद है, जो कि इस सारे सिंडिकेट का हेड था, वो अहमदाबाद एक जगह है घोड़ासर, वहाँ का रहने वाला है, उसकी उम्र तकरीबन 29 साल है। अपने टारगेट को ये कैसे आइडेंटिफाई करते थे, क्या कोई डेटा इनको कि जो एजेंसीज हैं वो बहुत ही फाइनली कोऑर्डिनेट करके एक ट्रांसनेशनल ऑपरेशन करके इन फ्यूजिटिव्स को दे कैन बी ब्रॉट टू दी बुक। इसी के चलते, जैसा कि आपको बाद में पता है, दीपक बॉक्सर को भी मैक्सिको से लाया गया, जिसमें एफबीआई और स्पेशल सेल की टीम्स ने अलॉन्ग विद मैक्सिकन पुलिस बहुत ही एक्सटेंसिव कोऑपरेशन करी थी। और इसी जो एक कोऑर्डिनेटेड वर्किंग है, उसी की एक मिसाल के तौर पे रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले एफबीआई ने हमारे साथ और कुछ लीड्स डेवलप जो उन्होंने करी थी उनको शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है पार्थ अरमारकर, जो कि ओरिजिनली गुजरात का रहने वाला है, लेकिन मेनली कई सालों से युगांडा में रहता है, और युगांडा से रह के वो कॉल सेंटर्स रन करता था। यूएस की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के एक बहुत ही नॉन सीनियर ऑफिसर रहे हैं उत्तम ढिल्लों, जो कि काफी रिप्यूटेड थे। उनकी आइडेंटिटी को वो इम्परसोनेट करके जो पोटेंशियल विक्टिम्स थे उनको कॉल करता था, उनको बोलता था ज्यादातर केसेस में कि वो डीईए से उत्तम ढिल्लों बोल रहा है, और मेक्सिकन बॉर्डर पे, यूएस मेक्सिकन बॉर्डर पे कोई वो चेकिंग कर रहे थे जिसमें कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी का मटेरियल मिला है, और जो पोटेंशियल विक्टिम था उसको वो बोलता था कि विक्टिम का नंबर या उसकी आइडेंटिटीज या कुछ ऐसी चीजें उनको सर्च के दौरान मिली हैं, जिससे कि उस सिटीजन को वो बहुत सीरियस चार्जेस में बुक कर सकते हैं,
अनलेस वो कोई पेनल्टी या मनी पे करने को तैयार हो जाए। ज़्यादातर जो टारगेट्स थे वो काफ़ी नाइव किस्म के, ये पहले प्रोफाइल से ढूंढते थे, इन्हें लगता था कि ये मनीड है और ये लोग शायद आउटरीच ना करेंगे या एजेंसीज को ना रिपोर्ट करेंगे, और इन्होंने इतना फाइन ट्यून कर रखा था सारा अपना ऑपरेशन, इनके इतने साथ रनर्स और ब्लॉकर्स थे इस ऑपरेशन में कि ये बहुत एक अरसे से क्योंकि क्राइम कर रहे थे ये विक्टिम्स को कन्विंस करने में भी कामयाब हो जाते थे। और अगर कोई विक्टिम थोड़ी बहुत कर्सरी रिसर्च भी करता था कि वाकया ही कोई उत्तम ढिल्लों है कि नहीं, तो वो पाते थे कि ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का उत्तम ढिल्लों एक जेन्युइन आइडेंटिटी है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और इंटरपोल वाशिंगटन में भी उसने पोस्ट जो है पहले ऑक्यूपाई की हुई थी। तो वेल नोन नेम था, वेल नोन आइडेंटिटी थी, और इन्हें पता था कि इंडियन ओरिजिन का है, तो जो इनका एक्सेंट है तो वो भी कोई पोटेंशियल विक्टिम जो है वो ये नहीं मिस्टेक कर पाएगा कि ये जो डीईए का एम्प्लॉय है इसका एक्सेंट अमेरिकन नहीं है।